जय माता रानी की। दोस्तों आप सबको मेरे प्यार भर प्रणाम। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों तो फिर से आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी सोचा मैंने थोड़ा ब्लॉग बना देती हूँ। तो दोस्तों अभी आ रही हूँ मैं एक सुंदर से जंगल में। देखिए कितना प्यारा व्यू है, देखिए जैसे टूरिस्ट आए होंगे। वहाँ ये देखे दोस्तों, नरोत्तम कहाँ चढ़ रखा है। यही पापा इंसान होते हैं, व्यू का मजा लेते हैं नीचे से। देखा अच्छा, इसको देखो बंदर है, तो बंदर पेड़ पे ही चढ़ेगा। अरे वाह दोस्तों, यहाँ पे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे चल रही है फोटोग्राफी, देखिए फोटो खींच रहे हैं ये लोग। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हमारे गांव में है इतना सुंदर सा जंगल। तो आ रखे हैं सारे लोग यहाँ घूमने। तो ये दो तीन दिन मेरे, मतलब दो दिन हो गए, आज दो दिन हो गए घर पे। तो घूमने आए थे ऐसे ही मेरे घर पे, तो देख सकते हो आप लोग। और मेरे बहुत, मतलब बहुत खुशी की बात है कि मेरे घर पे आए। और मैंने कहा अगर मेरे घर पे आए रखे हो तो थोड़ा जंगल में घुमा लेती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ लेके आई मैं इनको जंगलों के बीचों बीच। और मैंने कहा अगर आ रखे तो थोड़ा फ़ोटो भी ले लेते हैं। तो अभी तक थोड़ा, ये मेरा लड़का, ये देखिए ये आता ही नहीं है फ़ोन में ज़्यादा। यहाँ देखिए, दोस्तों ये देखिए कल आप लोगों ने बहुत ही प्यारी प्यारी कमेंट्स की थी। तो ये देखिए इसको आप प्यार से बोलते हैं पौवा। ये देखिए ये और कब आ रहा है मैं तो मजा मीम वायरल कन इसने मेरी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं हंस रही थी, लेकिन कैसे हंसने सीन दिखाना थोड़ा इसने चुपके से बनाई और मेरे को पता ही नहीं चला। तो मैंने अभी देखा, यहाँ देखिए पौवा, देखो कितना प्यारा पा। ये देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है मैं पोस्ट में मिलेगी वो। जब मैं हंसती हूँ तो कैसे हंसती हूँ, और मैं उसमें ऐसे जूम के अब बिल्कुल से मेरा मुंह इतना बड़ा आ रखा है हंसते हुए। तो देखो दीदी अब तब बाहर जब चेक चमक। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं घिमतोली, और कुछ कर रहे हैं हम, कुछ देख आएगा कुछ। फिलहाल तो देखिए यहाँ पे हमारी कास्टिंग है, फोटोग्राफी हो रही है, और मस्त से व्यू है। देवदार के पेड़ है पीछे, और ये कैमरा रोटेट होते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हो नरोत्तम, ये नो खेच में। तो फिर दोस्तों ये देखिए टूरिस्ट जाते हुए चढ़ाई में, और इनके कारण मेरी भी दो दिन की छुट्टी हो गई दुकान से। ये देखिए सचिन जो है सेम पता नहीं डॉग की जैसे आवाज निकाल रहा। कल दो तीन बार में कंफ्यूज हो गई थी कि कैसे मैं कंफ्यूज में हो गई कि मेरा भाई जो है वो कुत्ते की आवाज कैसे निकाल रहा है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं यहाँ। यहाँ पे एक पेड़ है दोस्तों जो पेड़ मैंने काटा है, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं वो पेड़। तो फिर दोस्तों चलते चलते ही हम उस पेड़ तक पहुँच गए हैं जो पेड़ मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। और उस दिन मेरे भैया छोटे भाई सचिन ने बोला था दीदी हम भी आएंगे एक दिन वहाँ। तो फाइनली पहुँच गया है वो। ये देखिए ये बोल रहा है, यहाँ पे जाके बोल रहा है कि आज दिल की बात मैं बता दूँ। अब उससे आगे कुछ नहीं बोल रहा। ये देखिए एक बंदर, दो ये सुंदर होता हम तो कॉक चाहिए। ये देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा पेड़ है दोस्तों, देखिए इसमें छोटा बच्चा बड़ा बच्चा सीनू तो नहीं जा रही बंदर जा रहे मामे के सचिन सचिन को देखो सचिन छलांग मारते हुए ना मारते फोटो मोने ना 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 बटे बटा ओ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दुकान की ओर। तो
मिलते हैं आपको दुकान पे। देखिए इनके साथ फुल आनंद आ गया मेरे को भी। यहाँ आराम से खाना मेरी वहाँ वहाँ कहाँ आ चुवाला आमे बोला चप्पल भी नहीं दिया पहने अब वहाँ कहाँ भी रोना रहे अपन। दोस्तों तो अभी हम आ रखे हैं पोखरी वाली रोड पे। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है और टाइम तो 6 बजने वाली है दोस्तों। तो आपने क्या बताऊँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और बीच में उनको ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिला। तो ये देखिए ये आ रहे हैं देखिए, और ठंडे से बिल्कुल हालत ख़राब। यहाँ पे गोरे गोरे दिख रहे थे सीन हम यार देख ऐसे हो गए ठंड हो गई दोस्तों बहुत ज्यादा सच में हाथ ऐसे कांप रहे ना ठंड से। और ये दिन बहुत याद आएंगे सच में बहुत ज्यादा याद आएंगे बहुत ज्यादा। लव यू यार मिस यू सीनू लव यू इतना सारा। काले मेरे से इतना जलन हुआ कि पार से तक काला हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे मैं जो जैसे बोल रही थी आग लगी थी इधर तो यहीं आए थे हम लोग आग बुझाने। और ये देखिए सेम टू सेम है पता लगा कि दो जुड़ा है। हेलो दोस्तों तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे और थोड़ा बहुत तबीयत से भी ख़राब लग रही है दोस्तों। तो अभी हम घर पे पहुँच चुके हैं और घर पे आते आते काफ़ी रात हो गई है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को कुछ स्पेशल माता रानी की कृपा रही तो आप लोगों को कुछ स्पेशल मिलेगा देखने को मेरे ही यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी पर। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि बहुत अच्छा होगा जो भी देखने को मिलेगा। तो घर आते आते बहुत मतलब बहुत देर हो गई और अभी रात अंधेरा हो गया 7 बज चुकी है और अभी मैं गाय से दूध निकाल के लाई हूँ। अंधेरे में आंख भी नहीं दिख रही थी तो ठीक है दोस्तों बने रहिए आप लोग साथ में। मैंने कहा आप लोग बोलोगे कि आज ब्लॉग नहीं बनाया तो इसीलिए मैंने आज एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है आप लोगों के सामने। तो ठीक है दोस्तों सब लोग अपना ख्याल रखिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय माता रानी की।